हमेशा राउंड हो जाते हैं, राइट। पर ये जो लड़का, ये जो अभी साइकिल चला रहा है, इनका जो शेप आप लोग देखो, इनका व्हील का शेप है स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट। तो सबको पता है कि अगर जो प्रॉपर तरीके से साइकिल चलाना है तो जाहिर सी बात है उनका जो शेप है वो हमेशा गोल ही होगा। अगर गोल नहीं होगा, अगर राउंड नहीं होगा तो चौड़ाई, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट। और अगर कोई साइकिल का चक्का अगर ऐसे कोई रेक्टेंगल होगा, ऐसे कोई स्क्वायर होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या करना पड़ता है, वो साइकिल को पुश करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आप पुश करोगे फिर क्या होता है ना, घिस घिस के रोड से वो साइकिल जाएगा, पर जा नहीं पाएगा। जब तक आप पुश करोगे वो घिस घिस के जाएगा, पुश करना बंद करोगे साइकिल चल, तो पुशिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो सिमिलरली री इन्वेंट के विल के मतलब है बरसों से जो होके आ रहा है और जो चीज इंसान बार बार करके इंसान को कामयाबी मिला है, इंसान को सक्सेस मिला है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वही चीज को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो जो ऑलरेडी टाइम टेस्टेड है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम लोग जिंदगी में बहुत सारी चीज, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, आउट ऑफ द बॉक्स काम करो, पर ये देखना चाहिए कि आप जिस चीज को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो दैट इज ऑलरेडी प्रूवन, ये ऑलरेडी प्रूवन है। और ये इसीलिए प्रूवन है क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज में इंसान को ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है। तो जहाँ पे इंसान को ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है और इंसान एकदम कामयाबी की तरफ चले गए हैं, पर्टिकुलर वो ही केसेस में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग टाइम को फॉलो करो। अगर वो सिस्टम को अगर आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एट द एंड ऑफ इट, राइट। सो फर्स्ट इज दैट 10 कॉमन मिस्टेक का री इन्वेंट द व्हील। सेकंड जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टूली टीचेबल एंड कोचेबल। मैंने ऐसे बहुत सारे पूरी केयर की जो ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, ना कुछ सीखना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि हमें सब जाए, आई नो एवरीथिंग, मुझे हर एक चीज पता है, मुझे कोई मीटिंग में आने की, मुझे कोई ट्रेनिंग में आने की जरूरत नहीं, मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं तो माहिर। दिस इज अ वेरी डेंजरस माइंड सेट, बिकम अ चैंपियन, ये गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। एक चीज हमेशा सोच लेना कि सीखने के लिए ना उम्र चाहिए, ना सीखने के लिए टाइम चाहिए। आप लोग कभी भी किसी से भी कोई हमेशा सीख सकते, कोई भी चीज किसी से भी किसी से कोई भी चीज हमेशा सीख सकते। एंड दैट इज द रीजन मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, चाहे वो मेरी सीनियर मोदी केयर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो मोदी केयर की कोई सीनियर जीबीडी की ट्रेनिंग हो, मेरे पास अगर टाइम है और मुझे पता है, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं आप बंद करके हर एक इंसान का ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। मैं इसीलिए करती हूँ, मैं कभी एपिसोड तो जाहिर सी बात है मुझे सब कुछ आता है, एकदम भी गलत बात है। हमेशा इंसान को हर एक मोमेंट में नया नया चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कौन इंसान कैसे बात कर रहा है, बात करने का तरीका, स्टेटमेंट यूज किया, कौन सी चीज को लेके वो ये ट्रेनिंग को और भी ज्यादा जानना बहुत जरूरी है, बिलीव मी फ्रेंड्स। पर मैं अपने एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि जब भी मेरी बॉस मिस्टर शुभ्रत तो कौर के प्रोग्राम होता है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उनके अटेंड करती हूँ, मैं अपने जो सीईओ है मिस्टर राहुल शंकर जी उनका करती हूँ, प्रशांत सर की करती हूँ, मोदी केयर की ऐसे बहुत सारी जीबीडीज है, सबसे सुरेखा भार्गव जी का बहुत सारी मीटिंग है, मैं अटेंड करती हूँ। मुझे पर हर एक इंसान को अपना जो आइडेंटिटी है ना,
कभी मत सोच, बुरा होता है, ये सही बोलता है, ये गलत बोलता है, ये बोरिंग होता है। मैं सबको ये बोलूंगी, ये जो सीखने के लिए, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप अगर आज के डेट में आप लोग मीटिंग में नहीं आओगे ना, मोदी केयर की मैनेजमेंट कोई नहीं बोलेगा आप लोगों का मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि किसी के पास तो हक नहीं है बोलने का। अगर आप नहीं आ रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, यू गाइस आर द लूजर, आप लोग ही तो लूजर हो। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं कोई ज्ञान देना नहीं चाहती हूँ, खुद के ऊपर जो मैं अप्लाई करती हूँ वही चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ट्राई कीजिए हर एक मीटिंग में अटेंड करने के लिए, अगर आपके पास टाइम। मैं जबरदस्ती नहीं ही बोल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम, क्योंकि हर एक इंसान का मीटिंग करने का स्टाइल अलग है, बोलने का तरीका अलग है। सो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडर्स को मोदी के पूछते हैं, अरे बाप रे बाप, इनका मीटिंग जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा तो नॉलेज मेरे पास है। ये बहुत गलत बात है। आपको पता है करेगा, जिनके मीटिंग सुनने के बाद आप लोग भी खुद पागल हो जाओगे। सो किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और लोगों का जो अच्छाई है वो अच्छाई को लीजिए, जैसे मैं करती हूँ, और उसके संग संग ना मैं ये नोटबुक पे नोट भी करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं खुद अपने मीटिंग करती हूँ ना, हर एक इंसान जो अच्छा अच्छा चीज मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, उसी हिसाब से मैं अपना नोट बनाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये गलती कभी मत करना। ये जो सेकेंड जो पॉइंट है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, क्लियर? ओके, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आ रही हूँ। एंड नेक्स्ट स्लाइड में, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आ रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है जो स्लाइड नंबर 3 है, स्लाइड नंबर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंकिंग। ये जो शॉर्ट टर्म मैंने आप लोगों को बताया, इट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार देखिए। इन अ डेवलपिंग बिजनेस, इट इज आवर एबिलिटी टू स्टे परसिस्टेंट इवन व्हेन वी आर अनेबल टू सी एनी ग्रोथ ऑन द सरफेस, जस्ट लाइक चाइनीज बैम्बू ट्री। ये पर्टिकुलर स्लाइड क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? हम लोग हमेशा गलती करते हैं, हम लोग हमेशा छोटा सोचते हैं, हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म, और वो बिजनेस सही से नहीं हो रहा है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग, चेन मार्केटिंग के बिजनेस, एमएलएम के बिजनेस, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये सब मेरे से नहीं होगा। जो से टैलेंट है, अलग से सोर्स है, अलग से टीम है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। बट ये क्योंकि आप का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जब भी बिजनेस करने जा रहे हो ना कोई दिक्कत आ जा रही, कोई ना कोई चीजों से आपका माइंड डीमोटिवेट हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बिजनेस में जो ये होना चाहिए, बिजनेस में जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन सही से नहीं हो रहा है। जब सही से नहीं हो रहा है, जब उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, ऑटोमेटिकली हर एक इंसान के मन में दिस इज नॉट द राइट बिजनेस फॉर, और उसके कारण क्या होता है, इंसान शॉर्ट टर्म सोचते हैं और अल्टीमेटली मोदी केयर का बिजनेस छोड़ के वो चले जाते हैं, और कंपनी के बारे में मार्केट में रूमर स्प्रेड करते हैं कि ये अच्छा बिजनेस नहीं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। मैं सबको बोलूंगी, प्लीज आप लोग ये जो शॉर्ट टर्म जो सोच रहे हो ना, आप शॉर्ट टर्म मत सोचो। हर एक भी चीज मैंने हाथ लगाई है, किसी सरकार का मैजिक नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई प्लांट को डाल रहे हो ना, ऐसा मत है कि आप कोई छोटा सा प्लांट को ये गमले में डाल रहे हो और 2 दिन में वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी होता है? आप उसमें पानी डालते हो, आप इसमें एक्टिविटी डालते हो, फिर सनलाइट, आप बड़े होने लगते हैं, राइट? तो सिमिलरली ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस इट इज नॉट अ जोक, ये और ऑटोमेटिकली कोई आके तथास्तु कर दिया और मेरे बिजनेस बढ़ गया, नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मेरा बस की बात नहीं है, आप 15-14 लोग आपको ना बोलेगा, एक लोग हाँ बोलेगा, उसके लेके मायूस मत होजिए, होइए। आप ये पर्टिकुलर बिजनेस में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो बिजनेस होता है ना, आज आप जो मीटिंग करोगे, इट्स नॉट लाइक दैट कल ही आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। आज जो आप मीटिंग कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको कमिंग वीक में मिलेगा। ये ऐसा ही होता है,
मीटिंग में आज आज आप जो जो मीटिंग कर रहे हो, जो जो चीज लोगों को बोल रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, आप एक्सपेक्ट मत करना कि उसका रिजल्ट संग संग आपके हाथ पे कल आ जाएगा। इट वोंट बी लाइक दैट। आप जो कर रहे हो, आप कम से कम 7 days टाइम, 7 दिन के बाद वो रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, लोगों को भी वो चीज दिमाग पे रजिस्टर होना चाहिए, फिर वो चीज को लेके आप लोगों के साथ फॉलो अप करोगे, लोग वही चीज के बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद वही चीज को लेके बिजनेस करेंगे। तो दैट इज द रिजल्ट, इज नॉट अ मैजिक। और मैं सबको हमेशा यही बोल रही हूँ, एकदम गलती मत करना, शॉर्ट टर्म मत सोचना, हर एक चीज में टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्ट योर टाइम। जो इंसान होता है 2-3 महीना लॉयल्टी करने के बाद वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों को वो बोलते हैं कि गलत बिजनेस है, अच्छा बिजनेस नहीं है, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये बहुत ये खराब बिजनेस है, मोदी केयर के बारे में, फिर मार्केट में रूमर स्प्रेड करते हैं। यही तो हो रहा है ना, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। सो थिंक शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद ये जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट इज एनफ पीपल। मैंने एक चीज नोटिस किया जो पर्टिकुलर मोदी केयर बिजनेस में जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंसान बात नहीं करते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फ्रेश ब्लड इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, नया नया लोग नहीं आएगा। मोदी केयर क्यों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग देखो कोई साड़ी का दुकान में, साड़ी का दुकान में इन लोगों का एक पेटेंट कस्टमर है जो हमेशा आके नॉर्मली साड़ी खरीदते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। पर ऐसे वही कस्टमर हर एक महीने आपके दुकान में आके साड़ी खरीदने के नहीं भी आ सकते हैं। हो भी सकते हैं कि 1-2 महीने बिजनेस से आपका बिजनेस नीचे गिर जाएगा। That doesn't means, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है बिजनेस में, मेरे पास फिक्स 100 क्लाइंट है, जो क्लाइंट घुमा फिरा के मेरे पास आते हैं, मेरे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, हो ही सकता है कि बीच में वो लोग कोई भी कारण नहीं आ पाए, कोई भी कारण आउट ऑफ बिजनेस, राइट। उसके साथ साथ अगर मैं गुड बिजनेस मैन हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं कंटिन्यूसली अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट हर एक लोगों के सामने आके करूंगी। इससे क्या होगा, जो लोग कॉन्स्टेंटली नहीं आ रहे उसके जगह में अगर और भी फ्रेश अगर 15-20 लोग आ जाए तो मेरा बिजनेस पहले से बिजनेस में ग्रोथ भी आ जाएगा, बिजनेस में नया नया फेसेस भी आएगा, और जितना लोग आएगा मैं जो ये बिजनेस कर रही हूँ ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड भी हो जाएगा। बिकॉज ये मानना बहुत जरूरी है, मोदी केयर की बिजनेस की अगर बात करूं, कोई ब्यूटी पार्लर की बात करूं, कोई साड़ी की दुकान की बात करूं, मैं मींस कोई भी शॉप के बारे में बात करूं, बिजनेस में ग्रोथ तभी आता है, बिजनेस में ग्रोथ आता है जब कोई इंसान के बारे में, जो नया नया लोग वो बिजनेस में आ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उस बिजनेस के बारे में अल्टीमेटली लोगों के साथ जाके शेयर करते हैं। गई हूँ और मैंने अच्छे से अपना हेयर कटिंग करके आई हूँ, जाहिर सी बात है मेरा फ्रेंड्स मुझे बोलेगा, कौन का ना तेरा हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, कहाँ से तूने अपना हेयर स्टाइल कराया। मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी मैंने पर्टिकुलर लॉरियल का एक इतने अच्छी तरह से अपना हेयर कट करके आई हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने शेयर किया मैंने लॉरियल का कौन सा ब्रांच में गई हूँ और कहाँ से मैंने अपना हेयर कट किया, मैं लोगों के पास जाके इसका एडवर्टाइजमेंट की हूँ। उससे क्या होगा, और भी 10 लोग जाके लॉरियल का पर्टिकुलर वही ब्रांच में जाके अपना हेयर कट करके आएगा। तो लॉरियल का मेरे मुंह से बहुत लोगों को पता भी चल गया, ये ब्रांचेस में बहुत सारे एफिशिएंट लोग हैं जिनका हाथ से हेयर कटिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो सिमिलरली माइंडफुल फॉर आवर मोदी केयर बिजनेस ऑल्सो। मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे इंसान गलती करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप लोग नया फेस को मोदी केयर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डेफिनेटली कि अभी जो करंट सिचुएशन है, बहुत सारे इंसान है जिनका जॉब जा रहा है, बहुत सारे इंसान है जिनका सैलरी कट हो रहा है, 30% 50% सैलरी कट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसान है दोज हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड इनकम, दे आर लुकिंग फॉर सेकेंड इनकम, उनके पास सेकेंड ऑप्शन चाहिए ये इनकम करने के लिए, अर्न करने के लिए। तो मोदी केयर के बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, अपने जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स लोगों का, उधर मोदी केयर की एडवर्टाइजमेंट कीजिए। हर एक इंसान को बोलिए कि अभी कोई भी इंसान अगर अभी घर पे बैठ के बिना इन्वेस्टमेंट की कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सो मोदी केयर इज द राइट प्लेटफॉर्म। कोई पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी करंट जो सिचुएशन है
के 50 लोग मोदी के बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। 50 लोगों को अगर आप ज्वाइन कराओगे तो 50 न्यू फेस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपने बिजनेस में, तो आप फायदा में रहोगे। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोल रही हूँ, बात करो बात करो बात करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फ्रेश ब्लड इन दिस सिस्टम, सिस्टम बहुत जरूरी है। हमारा जलर बोतल जो आगे कथा बोली, जलर बॉटल हम लोग पानी पीते हैं ना, आप लोग देखो हम लोग डेली पानी का बॉटल में क्या करते हैं, डेली हम लोग अगर पुराना पुराना अगर कल का कोई पानी रहता है पड़ा हुआ रहता है उस पानी को फेंक के हम फिर से क्या करते हैं, नया बॉटल को ये बॉटल में नया पानी भरते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अगर पुराना पानी अगर हम बॉटल में रख देंगे ना तो बॉटल से बदबू आएगा, वो वाला पानी से बदबू आएगा। सो आई वॉन्ट फ्रेश वाटर, मैं चाहती हूँ कि फ्रेश वाटर मेरे शरीर के अंदर जाए। पानी पिया अगर कोई भी बॉटल से, कल मैंने पानी पिया और वो मैंने पूरा बॉटल पानी नहीं पिया, आधा बॉटल पानी पिया, ऐसा नहीं है कि मैं वही आधा बॉटल पानी आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वो कल का जो पानी रहता है वो पानी को फेंक के हम लोग फ्रेश पानी उस बॉटल में भर्ती करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव कि हम लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी केयर बिजनेस हो, चाय की दुकान हो, फुचका की दुकान हो, गुलगप्पा की दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, साड़ी के बुटीक हो, कोई भी चीज में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रेट फ्रेश ब्लड। अगर नया नया लोग नहीं आएगा अभी आगे नहीं बढ़ेगा, बिजनेस का ग्राफ नीचे गिर जाएगा। अगर बिजनेस को ग्राफ को ऊपर लेना है, आपको नया नया लोगों को अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज द रीजन मैंने इतना टाइम भी इन्वेस्ट किया ये स्लाइड को, तो ये गलती मत करना, प्लीज ये गलती मत कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ फेसबुक में जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि मोदी केयर के ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट है जो मोदी केयर के बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट भी आ रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चार नंबर स्लाइड है, ये चार नंबर स्लाइड के ऊपर आप लोग थोड़ा सा कंसेंट्रेट कीजिए, क्लियर। इसके साथ साथ ये जो पांच नंबर स्लाइड है, अभी मैं पांच नंबर स्लाइड के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। पांच नंबर स्लाइड है नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर मेंटेलिटी, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, वही बिजनेस में हम लोग सक्सेसफुल तभी होंगे, सक्सेस हम लोगों के पास चल चल के तभी आएगा जब हम लोगों के पास एक बिजनेस ओनर का एक, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिजनेस ओनर्स माइंडसेट एंड अ बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी। आप लोग ये मोदी केयर का बिजनेस को जेब से बहुत लाख लाख रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, तब भी आपको बिजनेस के ऊपर प्यार, बिजनेस के ऊपर रेस्पेक्ट, बिजनेस के ऊपर डेडिकेशन तभी बढ़ जाएगा। आप अपने आप को सबमिट कर पाओगे ये मोदी केयर बिजनेस में, कोई भी काम करोगे ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत करने से पहले आपने आपको सबमिट करना, निजे को उत्सर्ग करे दिन, आपने आपको सबमिट कीजिए। कोई भी अगर बिजनेस करना है, अगर पूजा पाठ भी करना है, जो भी चीज करोगे आपने आपको उत्सर्ग कर दो, आपने आपको सबमिट कर दो, देन ओनली वो चीज में आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगा, बिलीव मी। ऐसा मत सोचो कि ये बिजनेस फ्री का बिजनेस है, नो, इन्वेस्टेड मिलियन डॉलर्स इन दिस बिजनेस इज नन अदर देन आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर मोदी, आवर गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी जी, आप बिजनेस के बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, दैट इज द रीजन आप लोग ये बिजनेस कर पा रहे हो। तो मैं सबको ये बोलूंगी कि हमेशा ये मेंटालिटी और माइंडसेट लेके चलना कि ये आपका बिजनेस है, इट अमर व्यवसाय, ये मेरा बिजनेस है, मेरा बच्चा है, ये बच्चा का परवरिश करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बच्चा को आगे लेके जाना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बच्चा को अच्छा एजुकेशन देना करना मैं माँ हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिमिलरली आप लोग सोच ही लो कि ये जो मोदी केयर के बिजनेस है ये आपका बिजनेस है, ऐसे आगे ले जाना है, ये किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू यू, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये बिजनेस माइंड का माइंडसेट लेके अगर आप बिजनेस करोगे, बिलीव मी सक्सेस आएगा ही आएगा। आप देखो मोदी केयर के कितने सारे लोग हैं जो जिनको इतना अच्छा सक्सेस मिला मोदी केयर बिजनेस करके, इनका माइंडसेट पूरी तरह से एक बिजनेस ओनर की माइंडसेट है। तो बिजनेस ओनर की माइंडसेट लाइए, ऑटोमेटिकली आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। अभी मैं 6 नंबर पॉइंट पे आ गया, 6 नंबर जो पॉइंट मेरे पास है आपको भी दिखाई दे रहा है, 6 नंबर पॉइंट, एक सेकंड।
छह नंबर पॉइंट, एक एक सेकेंड मैं एक बार शेयर कर रही हूँ। नहीं, हेलो, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मेरी स्किन में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं मैम, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो शेयर कर रही हूँ। नहीं, कोई स्क्रीन मत शेयर कीजिए। नोबडी ट्राई टू शेयर दिस स्क्रीन। अगर आप, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई नेटवर्क की इश्यूज हो रहा है, मे बी उसके कारण मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हेलो, 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 इज एनीबॉडी शेयरिंग द स्क्रीन? नो मैम। ओके, पता नहीं कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं छह नंबर पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। छह नंबर जो पॉइंट है वो है प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेटिंग की बेसिकली क्या बात होता है कि दिस बिजनेस डिमांड्स प्रोक्रास्टिंग की मैं बात करना चाहती हूँ। मैं प्रोक्रास्टिंग के बारे में, मैं आप लोगों को अच्छा से इसका क्या नॉलेज है, मैं नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप लोग करते हो, वो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन के मतलब क्या होता है। प्रोक्रास्टिनेशन के मतलब होता है ढीला ढीला देना, लूज देना। कभी कभी क्या होता है ना, जो आज करना है वो आप लोग अभी करना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वो काम करें, तो प्रोक्रास्टिनेशन के मतलब होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मुझे अभी करना है, इमीडिएटली करना है, एक सेकंड में करना है, मुझे इमीडिएट एक्शन लेना है, उसका मतलब है प्रोक्रास्टिनेटिंग। पर क्या होता है, 10 कॉमन मिस्टेक में भी हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि इंसान बात सुनता है, फिर सोचता है, फिर 50 लोगों के साथ बात करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ये सब चीज करने में उनको एक हफ्ता निकल जाता है। तो अल्टीमेट तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आप लोग एकदम ढीला मत देना, इमीडिएटली कीजिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और भी एक चीज मैं बोलूंगी, फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है ना, कोई भी चीज नया शुरू करने से पहले हर एक इंसान के मन में एक फियर आ जाता है कि मेरे से होगा, मैं क्या सक्सेसफुल होंगी, मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से ये सब नहीं होगा। ये सब सोच सोच के ना हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, सब फियर हो जाता है। फिर उसके साथ साथ कभी कभी एनर्जी लेवल भी जीरो होता है, कभी कभी फोकस हो जाता है, और हम लोग अल्टीमेटली यही कंक्लूजन में आते हैं कि मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही गलत चीज है। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी कोई चीज को लेके प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। आपको जो चीज करना है बिजनेस में, इमीडिएट कीजिए, ढीला मत दीजिए। आप फास्ट एक्शन लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आपको बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। जो सात नंबर पॉइंट है, मैं सात नंबर पॉइंट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है नेवर टेक रिजेक्शन बाई हार्ट। ऐसे बहुत सारे इंसान है, मैंने वो लोगों को देखा कि अगर कोई किसी ज्यादा दिक्कत होता है तो ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू गाइज, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मुझे भी ना सुनना पसंद नहीं होता है, किसी को ना सुनना पसंद नहीं होता है। अगर कोई भी चीज मैं शुरू करने जा रही हूँ और कोई मुझे ना बोल रहा है, हम लोग दिल पे ले लेते हैं। हम ना बोल लो, हमको अपमान कर लो,
हमको रिजेक्ट कर दिया, हमको इंसल्ट कर लिया, इससे तो कुछ नहीं होगा, मेरा जो जिंदगी है अभी इधर ही खत्म हो गया। ये होता है कि नहीं होता है बताइए? ये बहुत होता है। हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो हम लोगों के एंथुसिएज्म हाथों हाथ वो खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज द रीजन मैं सबको यही चीज बोलूंगी कि आप लोग कभी भी कोई भी रिजेक्शन को बाय हर्ट मत लीजिए। अगर बाय हर्ट लोगे तो अल्टीमेटली और किसी का कुछ नहीं होगा, लूजर आप लोग ही होंगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जब बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं ना, एक चीज सुन के बड़े हुए ना, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, फील्ड में मत दौड़ो, मत पियो, ये कपड़ा मत पहनो, ऐसे करके बल मत बनाओ, हमेशा बचपन से हम लोग ना 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 करके सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, कभी भी कोई नया चीज अगर सुनने के लिए मिलता है ना, मुंह से हमेशा प्रॉम्प्टली ना ही निकलते हैं, कभी गलती से भी मुंह से। क्योंकि ये जो ना शब्द है ना, बचपन से ये ना शब्द के साथ, ना शब्द सुन सुन के हम लोगों का अपब्रिंगिंग हुआ है। हमेशा हर एक चीज में टोकना, हर एक चीज में हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है, हर एक चीज में, हर एक चीज में। तो दैट इज द रीजन हमेशा हम लोग एक ही चीज बोलने के लिए सीख गया, वो है ना, नहीं करना है। तो दैट इज द रीजन कभी भी कोई भी इंसान को अप्रोच करोगे आप ये, पर वो ना कोई हाँ में कन्वर्ट करना ही अल्टीमेटली हम लोगों का काम होता है। तो दैट इज द रीजन माई डियर फ्रेंड्स, नेवर टेक रिजेक्शन बाय हार्ट। ये है 7 नंबर पॉइंट। और 8 नंबर पॉइंट पे बोलना चाहती हूँ, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। कभी भी नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस मत लीजिए। जिन लोगों को जिस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो उन लोगों के पास जाके डिस्कशन मत कीजिए। अगर किसी को पता ही नहीं है कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और ये सिचुएशन में अगर कोई इंडस्ट्री जिंदा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई राज कर रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी का दादागिरी चल रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? तो अभी ये जो करंट सिचुएशन में कोई इंडस्ट्री अगर आज के डेट में सेलिंग इंडस्ट्री पर ये चीज आप जाके नॉर्मल इंसान से बात करो, उसको पता ही नहीं है, हवा ही नहीं, ये सब चेन सिस्टम में बिजनेस में मत जाओ, ये सब चीज मत करो, पीपल विल आस्क यू नॉट टू डू दैट। क्यों बोलेगा, क्यों 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 बोलेगा? क्योंकि उनको हवा ही नहीं है, मार्केट में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ क्या है, फ्यूचर क्या है, हवा ही नहीं है। अगर जिसका हवा नहीं है वो तो जाहिर सी बात है आपको। और ये मेरे साथ भी होता है, मेरे फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स है, वो लोग मुझे हमेशा बोलते रहते कि तुम क्या काम करते हो, कौन करना, जब भी फोन करती काम करते हो, ऐसे कौन से काम करते हो, मेरा बेटी तो बैंक में काम करती है, तो बैंक में काम करती हो अच्छी काम करती हो, तुम मोदी के अंदर क्या काम करती हो, हमेशा मीटिंग करवाते हो, लोगों के साथ ये कर रहे हो, वो कर रही हो, कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रहे, समझ में नहीं आता है मोदी के अंदर बिजनेस में हम लोग क्या काम करते हैं, वो आधा लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो टीस करके बात करते हैं, वो उल्टा सीधा वैल्यू है वैल्यू नहीं करते हैं, जितना वैल्यू देना चाहिए उतना वैल्यू नहीं देता है, अल्टीमेटली हम लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि कभी कोई नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस मत ले। अगर कोई नॉन एडवाइस से एक्सपर्ट लोगे ना, वो इंसान नेगेटिव बोलेगा, आपका काम को नेगेटिव नजर से देखेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, एंड दैट पर्सन विल ट्राई टू पुट यू फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। गलती से भी ये मिस्टेक मत करना, और ये छोटा सा मिस्टेक नहीं है, बड़ा सा मिस्टेक है ये मिस्टेक आपका जिंदगी तबाह कर सकता है। तो कभी गलती से भी ये मिस्टेक मत कर। अभी मैं 9 नंबर पॉइंट में आ गई। 9 नंबर पॉइंट है टॉकिंग नेगेटिव। आप लोग कभी भी नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। कभी भी आपने टीम में किसी के बारे में किसी को नेगेटिव मत बोलो। अगर ये बोलोगे ना, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ अपलाइन, आप लीडर्स को जानती हो जिनके डाउनलाइन उनके अपलाइन के बारे में आके मेरे पास शिकायत करते हैं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप सोचो वो अपलाइन का क्या इज्जत रह जाता है, मोदी केयर की मैनेजमेंट के सामने उनका क्या इज्जत रह जाता है, आप एक बार सोचो। इसीलिए उस अपलाइन का इज्जत नहीं रहता है, क्योंकि उसी अपलाइन के बारे में वो अपलाइन, आपने जितने सारे डाउनलाइंस है वो डाउनलाइन के साथ तू मैं करते हैं, बुराई करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, ये सही में एक बात नहीं है ना, नेगेटिविटी। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको हर एक इंसान के साथ सही से रहना चाहिए, सो नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन।
आप ये चीज करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट भी मिलेगा और आपके टीम में शांति भी बरकरार रहेगा, और आपके टीम में जितने सारे मेंबर्स हैं वो लोग जी जान लगा के मोदी कैप्टन से नेवर टॉक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन, किसी के बारे में बात करना, ठीक है। और जो 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 नंबर पॉइंट हम लोग ये एक चीज नोटिस करते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा ये गलती करते हो, ये गलती है नॉट मैनेजिंग टाइम, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत सारे इंसान करते हैं। अगर आप अपना टाइम को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आज के डेट में घर का काम काज भी करना पड़ रहा है क्योंकि भाई नहीं आ रहा है, मेड्स नहीं आ रहा है, ऊपर से हर एक बच्चा का ऑनलाइन क्लासेस को एक साथ करना पड़ रहा है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर ही पूरा पिक्चर डिपेंड कर रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबको ये बोलूंगी एवरी डे रात को सोने से पहले आप बताइए, जो चीज मैं करती हूँ इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई हैव लर्न फ्रॉम समवन, मैंने अपने फ्रेंड से सीखा और वही चीज मैं खुद करती हूँ। जब इंसान के सर के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है ना, बिलीव मी उस इंसान से ये जाहिर सी बात है कोई ना संभावना रहता है, चांसेस रहता है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको ये बोलूंगी, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट को आप लोग प्रॉपर तरीका से करो। कैसे करोगे, रात को सोने से पहले कल आप लोग क्या क्या काम करोगे वो आप लिख लो। अगर आपको बाजार जाना पड़ेगा, बाजार जाके अगर आपको चीनी भी खरीदना पड़ेगा, बिलीव मी वो टू डू लिस्ट में आप लिखो, वो भी लिख के रखो। अगर आपको बच्चा का स्कूल का पढ़ाई को लेके किसी गार्जियन के साथ बात करना पड़ेगा, वो भी टू डू लिस्ट पे डाल के रखो। कोई भी चीज पर्सनल लाइफ में, कोई भी चीज, अगर अपने हस्बैंड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, कोई भी चीज शेयर करना है, हड़बड़ी में आप भूल जा रहे हो, वो भी चीज लिख लो। मैं करती हूँ, जब मेरा गैस खत्म होने को आता है मैं अपना गैस बुकिंग करती हूँ, वो भी मैं लिख के रखती हूँ कि कल मुझे गैस बुक करना पड़ेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, अदरवाइज मोदी केयर की इतना प्रेम, एक इंसान नहीं रहता है, पागल हो जाएगा एक इंसान। तो अगर वो ही इंसान सही मात्रा में हर एक चीज को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना टाइम को सही से मैनेज करना। मैं भी करती हूँ, मैं भी लिखती हूँ कि कल मुझे इतना जूम मीटिंग करना है, 11:30 बजे से शुरू होगा, पक्का 11 बजे फिर से मुझे हर एक इंसान को रिमाइंड, सुब्रत कौर से, मिस्टर सुब्रत कौर से क्या बात करना है, जब मैं उनके साथ बात करूंगी मैं वो करती हूँ। हालांकि बॉस के साथ 3 मिनट का बात होगा, पर मेरे मन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उनके साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा छोटा चीज है, हम लोग सोचते हैं कि याद रहेगा, पर अल्टीमेटली भूल जाते हैं। दैट इज द रीजन मैं सबको ये टिप्स देना चाहती हूँ, रात को सोने से पहले आपने टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें पर्सनल चीजों लिखिए, उसमें आपका प्रोफेशनल चीजों लिखिए, फिर उसके बाद देखना कि आप अपना ये जो टाइम है कितना अच्छे तरीके से मोदी केयर की मीटिंग में ध्यान भी दे रहे हो, घर का जो काम काज है हर एक चीज में आप बैलेंस करके चल पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान हर एक चीज में बैलेंस करके चल पाएगा, बिलीव मी फ्रेंड्स वही इंसान आगे जाके अच्छा काम कर पाएगा। क्लियर? सो जो 10th पॉइंट था ये है नॉट मैनेजिंग द टाइम। मैं फिर से आप लोगों से ये फिर से शेयर कर रही हूँ, 10 जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दी हूँ। 1 नंबर पॉइंट था रीइन्वेंट द व्हील, 2 नंबर पॉइंट था रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, जो सोचता है कि हम माहिर है, हम ज्ञानी है। 3rd नंबर पॉइंट है थिंकिंग शॉर्ट टर्म, 4th नंबर पॉइंट है नॉट, 5th नंबर पॉइंट था नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटालिटी, 6th नंबर पॉइंट था प्रोक्रास्टिनेटिंग, दैट मीन्स ढीला मत देना, 7th नंबर पॉइंट था टेकिंग रिजेक्शंस फ्रॉम हार्ट, 8th नंबर पॉइंट था टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, 9th नंबर पॉइंट था टॉकिंग नेगेटिव, और 10th नंबर पॉइंट था नॉट मैनेजिंग एनफ टाइम। बिलीव मी चीज भी नहीं आएगा, और ये जो 10 पॉइंट है जो चीज में हम लोग गलती करते हैं, हम लोग आगे जाके अपना ये गलती भी सुधर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, अभी मैं ये प्रोग्राम खत्म बोलना चाहती हूँ। 4:30 बजे लॉग इन कर जाना, एंटी एजिंग के ऊपर आज प्रोग्राम होगा, कैसे आप अपने एज को पकड़ के रख सकते हो,
उसके ऊपर आज 4:30 बजे प्रोग्राम होगा, और नया प्रोडक्ट थोड़े देर भी किया तो आप उसके तरफ भी ध्यान दीजिए, सो दैट यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की प्रोग्राम में इधर ही खत्म करी। थैंक यू सो मच। 4:15 सॉरी 4:30 नहीं है, 4:15 में होगा, 4:15 यस।